नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्रीबडी अदैत में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम करेंगे सबसे पहले समस्त भारत की आलू की मंडियों के भाव के बारे में बात। दूसरे नंबर पर दोस्तों बात करेंगे आलू में पहले स्प्रे में किस किस चीज़ का इस्तेमाल करें, क्योंकि कुछ जगह पर आलू पहले स्प्रे लायक हो गया है और जड़ गलन सबसे ज़्यादा दिक्कत। आज मैं एक बार में सब लोगों को जवाब दे दूंगा। कई लोग मेरे पास फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि शर्मा जी जड़ गलन आ रही है खेत में, जड़ काली पड़ रही है, पत्ता ऊपर सुगड़ रहा है, पौधा मरता जा रहा है। तो उसके लिए दोस्तों उसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों जड़ का स्ट्रेस ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। जड़ में अगर दिक्कत है तो पौधा धीरे धीरे मर जाएगा, ट्यूबर नीचे कम बनेगा और बहुत बड़ी समस्या आएगी। तो जड़ गलन दोस्तों सबसे बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ी समस्या है। मेरे ही दोस्तों बहुत लंबी चौड़ी खेती में ये समस्या आती थी और वो धीरे धीरे करके जब धीरे धीरे पता चला और उन दवाओं का हमने इस्तेमाल किया, उसके बाद उसको हमें उससे काफ़ी रिलीफ मिल गया। और जिन लोगों को मैं सजेस्ट करता हूँ उन लोगों को काफ़ी रिलीफ मिल जाता है इस चीज़ में। तो दोस्तों बात करेंगे कौन सी दवा इस्तेमाल करनी चाहिए और नॉर्मली पहले स्प्रे पर किसानों को कम लागत में कौन सी स्प्रे लगानी चाहिए, क्योंकि दोस्तों दुनिया भर की दवाई चल रही है और आलू में ज़्यादातर हमारे एरिए में जो आगरा मंडल में इतना भयंकर रोग नहीं आते कि बहुत ज़्यादा महंगा फंजीसाइड का हम लोग इस्तेमाल करें। बाकी हर आदमी की अपनी अपनी ओपिनियन है। मेरा जो ओपिनियन है मैं आप लोगों को आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि दोस्तों मैं भी काफ़ी आलू करता हूँ तो मुझे जानकारी है। तो दोस्तों दोबारा एक बार सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है वैभव शर्मा और आप सब लोग देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल। जिन लोगों ने दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर जरूर किया करें, जहाँ जरूर हो तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें। सबसे पहले बात करेंगे भाव के बारे में। तो भाव के बारे में अगर हम दोस्तों शुरुआत करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे आज मंडी की, तो मदुरई मंडी की। तो मदुरई मंडी की बात करें दोस्तों, बारिश भयंकर हो रही है वहाँ पर, बारिश का बुरा हाल है। बारिश से आगरा का आलू 19 से लेकर 20 रुपये 21 रुपये किलो बढ़िया बिक रहा है। नॉर्मल आलू 15 से लेकर 16 रुपये किलो तक बिक रहे हैं और लोकल आलू 20 से 22 23 रुपये तक बिक रहा है। बात करते हैं दोस्तों दूसरे नंबर पर मुंबई की। तो दोस्तों भाव लगभग कल वाले सेम ही है, फिर भी दोस्तों जहाँ हल्का उठान है वो सब मैं आपको बताऊंगा। मुंबई की, तो मुंबई की बात करें दोस्तों, तो मुंबई में आलू आज 14 से लेकर 15 रुपये किलो तक बिक रहा है। जिनसे बात होती है वो लोग ये कह रहे थे कि शर्मा जी माली नहीं आ रहा बढ़िया एक नंबर जो अच्छी रेट बिके, क्योंकि कोल्ड स्टोर धीरे धीरे बंद कर दिए गए हैं कोल्ड स्टोर, तो क्वालिटी ख़राब होती जा रही है आलू की। दोस्तों नॉर्मल की बात करें तो 12 से लेकर 13 रुपये किलो तक बिक रहे हैं। लोकल आलू की दोस्तों बात करें तो 14 से लेकर 15 रुपये किलो तक बिक रहा है मुंबई में। और दोस्तों एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ नोट करने वाली, इस साल आप लोग देख लेना, जिन कोल्ड स्टोरों ने वालों ने किसानों का आलू बेच लिया, जिन कोल्ड स्टोर वालों ने किसानों को समस्याएं हुई, सबसे ज़्यादा कुछ लोगों के ने आलू 750 में बेचा, 800 में बेचा, उन लोगों को बाद में फिर सस्ते में बेचना पड़ा क्योंकि व्यापारियों ने माल नहीं उठाया। और ये सब जिम्मेदारी कोल्ड स्टोर वालों की रहती है। तो इस ऐसे कोल्ड स्टोरों को चिन्हित करें और ऐसे कोल्ड स्टोरों में आलू अगले साल ना रखें, आलू उन्हीं कोल्ड स्टोरों में रखें जिन लोगों ने किसान का सपोर्ट किया है और आलू अच्छे रेट बिकवाया, जो आप जिन कोल्ड स्टोरों में आप लोगों को संतुष्टि मिल रही है, ये मेरी चीज़ ध्यान रखें। चाहे भाड़ा 10 रुपये कट्टे का ज़्यादा दे देना, पर दोस्तों आप सब आप लोग अपडेट रहते हो तो अपडेट का उसका फ़ायदा उठाइए। बात करते हैं दोस्तों बनारस की। तो बनारस में आलू 8 से लेकर 9 रुपये किलो तक बिक रहा है मोटा। आगरा का वो नॉर्मल आलू 7 से लेकर 8 रुपये किलो तक मान लीजिए बिक रहा है। गुल्ला 5 से लेकर 6 रुपये किलो तक। हॉलैंड 9 से लेकर 10 रुपये किलो तक। और नॉर्मल आलू हॉलैंड दोस्तों 7 से 8 रुपये किलो तक बिक रहा है। गुल्ला दोस्तों कोल्ड स्टोरों पर 150 से 200 रुपये कट्टा बिकने लगा, आप समझ सकते हैं 650 बिक रहा था। मैंने आपसे कहा था कि आलू अपना धीरे धीरे करके बेचते रहें। अब दोस्तों अगर आगे बहुत ज़्यादा तेज़ी आ भी जाती है तो बहुत ना के बराबर किसानों को मिलेगी, क्योंकि घबरा कर बहुत से किसानों ने अभी भी इसी में भी आलू बहुत बेच लिया। और क्या करें दोस्तों, लास्ट में घबराहट बहुत बड़ी हो जाती है। बात करते हैं दोस्तों बेंगलोर की। तो बेंगलोर में आज आलू एक्स्ट्रा सुपर 700 से 800 रुपये तक 50 किलो बिके हैं की तौल बिकी है। नॉर्मल 500 से 600 रुपये तक बिक रहा है और लोकल आलू दोस्तों 800 से लेकर 900 रुपये तक बिक रहा है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दोस्तों गुवाहाटी की। तो गुवाहाटी की बात करें तो आगरा का आलू 11 से लेकर 12 रुपये किलो तक बिक रहा है और नॉर्मल आलू 9 से लेकर 10 रुपये किलो तक बिक रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों जयपुर मंडी की। तो जयपुर के कल मेरे पर कई कमेंट आए कि जयपुर के भाव बताओ, तो एक्स्ट्रा सुपर आलू जयपुर में 8 से लेकर 10 रुपये किलो तक बिक रहा है और नॉर्मल आलू 5 से लेकर 6 रुपये किलो तक बिक रहे हैं। और न्यू आलू जो नया आलू आ रहा है दोस्तों जयपुर में, जो पंजाब वाला पहुँच जाता है, वो 15 से 16 रुपये किलो तक और उसमें थोड़ी हल्की क्वालिटी का आलू 13 से लेकर 14 रुपये किलो तक बिक रहा है। बिहार की दोस्तों छपरा की बात कर लेते हैं। तो गुल्ला यहाँ पे एक्स्ट्रा सुपर 8 से लेकर 9 रुपये किलो तक बिक रहे हैं। नॉर्मल 7 से लेकर 8 रुपये किलो तक बिक रहे हैं दोस्तों गुल्ले। और मोटा जो सफ़ेद आलू है वो 9 से लेकर 10 रुपये किलो तक बिक रहा है और नॉर्मल 7 से लेकर 9 रुपये किलो तक बिक रहे हैं।
और C40 एक्स्ट्रा सुपर 10 से लेके 11 रुपए किलो तक बिक रहा है, और नॉर्मल आलू C40 8 से लेके 9 रुपए किलो तक बिक रहे हैं। दोस्तों मैं दो तरह के भाव बताता हूँ आपको, एक तो एक्स्ट्रा सुपर आलू के और उससे नीचे क्वालिटी के आलू के, ठीक है। अब बात करते हैं हॉलैंड की, तो एक्स्ट्रा सुपर हॉलैंड आलू 13 से लेके 14 रुपए किलो तक बिक रहा है, और नॉर्मल आलू 11 से लेके 12 रुपए किलो तक बिक रहे हैं हॉलैंड। अब बात करते हैं दोस्तों जोधपुर की, तो जोधपुर में आलू एक्स्ट्रा सुपर 11 से लेके 12 रुपए किलो तक बिक रहा है, और नॉर्मल आलू दोस्तों एक्स्ट्रा वो 37-97 9 से लेके 10 रुपए किलो तक, और होशियारपुर का लोकल आलू है जो पंजाब वाला वो 16 से लेके 17 रुपए किलो तक बिका है। आज गुवाहाटी की दोस्तों बात कर लेते हैं, तो गुवाहाटी में आलू 11 से लेके 12 रुपए किलो तक, और नॉर्मल आलू 9 से 10 रुपए किलो तक बिक रहा है। ये थे भाव दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों लास्ट तो बहुत काफ़ी जगह बची है कानपुर मंडी की, और दिल्ली की दोस्तों आज़ादपुर की आपको थोड़ी सी अपडेट दे देता हूँ मैं। दिल्ली में आज 38 गाड़ी नया आलू आया है, नया आलू 38 गाड़ी है मात्र, और भाव वही चल रहे हैं दोस्तों नए आलू के, थोड़े से 10-50 रुपए का करंट है, और लगभग टोटल 117 गाड़ी है दिल्ली में, आवक कम है, ठीक है। बात करते हैं कानपुर मंडी की, तो गुजरात का आलू 190 से लेकर 200 रुपए तक बिक रहा है 40 किलो की तौल, लॉकर गुजरात का 200 से लेकर 250 रुपए तक 40 किलो, मन होता है दोस्तों 40 किलो का कानपुर में, और सिंदूरी 250 से लेकर 280 रुपए तक बिक रहा है, और हॉलैंड 200 से लेकर 290 रुपए किलो तक, वो 290 तक बिक रहे हैं 40 किलो की तौले मन, और एवरेज गुल्ला 140 से 150 रुपए मन बिक रहा है दोस्तों, और गीला वाला गुल्ला वो 170 से 200 रुपए तक बिक रहा है दोस्तों मन, और सुपर गुल्ला 200 से 250 रुपए तक बिक रहा है सूखा हुआ, वो भी मन के भाव में दोस्तों 40 किलो के, हाइब्रिड मोटा 240 से 250 रुपए, और 37-97 मोटा 250 से लेके 290 रुपए तक बिक रहा है, और नया दोस्तों पंजाब का आलू वो 550 से लेके 700 रुपए तक बिक रहे हैं। ये है कानपुर के भाव दोस्तों। दिल्ली आज़ादपुर में दोस्तों हालत वही है जो कल थी सेम, और एक्स्ट्रा सुपर ऊना का आलू वहाँ पे बढ़िया ऊना का आना हल्का हो जाएगा, वो करीब 800 से लेके 900 रुपए तक, नॉर्मल 700 से लेके 800 रुपए तक बिक रहा है। होशियारपुर का दोस्तों वही 750 से लेके 800 रुपए तक, और नॉर्मल 700 से 750 रुपए तक बिक रहा है होशियारपुर का दोस्तों आलू। बात करते हैं दोस्तों पूना मंडी की, तो पूना मंडी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आज एक्स्ट्रा सुपर आलू 13 से लेकर 14 रुपए किलो तक बिके हैं, और नॉर्मल हल्की क्वालिटी का 11 से लेकर 12 रुपए किलो तक बिका है दोस्तों, और इंदौर का आलू दोस्तों 8 से लेकर 12 रुपए किलो तक बिका है, और नया पूना का दोस्तों आलू 11 से 12 रुपए किलो तक, और नॉर्मल 8 से लेकर 9 रुपए किलो तक। इतनी भयंकर बारिश है पूना में, मंडी में आया नहीं, डिमांड नहीं है, आलू दोस्तों पहुंचा, आलू एक साथ धड़ाम इसलिए हो गया क्योंकि मंडी में डिमांड नहीं थी, खरीदार आए नहीं थे, आलू कच्ची होती है, कच्चा फसल है, तो सीधी सी बात बेचना तो पड़ता ही है, फिर भाव मुँह मांगे जो पैकारी भी कहाँ ले जाएंगे, उसी हिसाब से दोस्तों बिक जाता है। बात करते हैं दोस्तों अब आलू की जड़ गलन के बारे में, सबसे मेन टॉपिक जो हम जिस पर बात करेंगे, आलू की जड़ गलन दोस्तों कभी भी शुरुआत हो सकती है। अभी आलू लगभग 30 दिन का हो गया किसी का 35 दिन का, किसी का 40 दिन का, तो 35 दिन का आलू हो गया, 30 दिन का आलू हो गया, तो अंदर पौधे में अंदर एक काला सा जड़ के और पास एक लेयर सी हो जाती है, वो काली सी या काला सी लाइन होगी, या जड़ सड़ने लगेगी, बदबू उसको रगड़ेंगे तो उसमें बदबू आने लगती है, आप समझ रहे हैं मेरी बात को। तो दोस्तों उसके लिए जो मेन मैं उपचार आपको बताऊंगा, सबसे पहले तो कुछ किसान भाई, मैंने पहले भी कहा था कि यूरिया पहले पानी पर ना लगाया करें, ना ज़मीन में बोआ करें, यूरिया का अधिक से अधिक इस्तेमाल इसका बुलावा देता है जड़ गलन को, जड़ काली होने को। तो दोस्तों मैं साइंटिफिकली तो जाऊंगा नहीं, बाकी मैं अपने एक्सपीरियंस पर बात करता हूं, क्योंकि मैं खाद बीज की दुकान चलाता हूं तो मुझको जानकारी रहती है, मैं प्रैक्टिकल पर ज़्यादा विश्वास करता हूं, बाकी बहुत दुनिया भर के फंजीसाइड आते हैं और ज़्यादा दुनिया भर के कॉस्टली हैं और किसान की कमर तोड़ देते हैं, किसान समझ जाएगा अरे भाई ये तो मेरे में जड़ गलन आ गई, पता नहीं क्या हुआ, दुकानदार के पास गया तो 1000 रुपये से लेकर 1500 रुपये एकड़ तक की दवा बना के तैयार कर देते हैं, और उससे भी उनको रिलीफ वही मिलता है जो मैं दवा बताऊँगा उससे मिलेगा। बात करते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि महंगे फंजीसाइड काम नहीं करते, पर दोस्तों हर जगह महंगे फंजीसाइड की ज़रूरत नहीं होती है। तो दोस्तों उसको उससे क्या होता है, पौधा एकदम ऐसा सुकड़ सा जाएगा और पौधा धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगा और पौधा मर जाता है। तो उसमें उस खेत में सबसे पहले तो यूरिया का इस्तेमाल बहुत कम करें ही नहीं, ना के बराबर, पानी कम लगाएं, ठीक है। और दोस्तों स्प्रे की मैं बता देता हूं, तो स्प्रे में सबसे पहले एक एकड़ का दोस्तों मैं डोज बताऊंगा, एक एकड़ का, तो एक एकड़ के डोज की दोस्तों बात करें तो फर्स्ट लगभग इसको आप 30 से 35 दिन 40 दिन पर लगाएं और इसमें इस्तेमाल करें करीब 750 ग्राम M45 बढ़िया कंपनी के लें दोस्तों, ब्रांड अच्छी जो अच्छे ब्रांड हैं उनकी जानकारी तो आपको होगी उसकी लें, वेल्डामाइसिन 250 ml लेना चाहिए, और थाइफोनेट मिथाइल जो बायोस्टेड का रोको भी आता है, कृषि रसायन की आती है, इंडो गल्फ की अमन के नाम से आती है, ये अच्छे जो ब्रांड कंपनी है दोस्तों इनका इस्तेमाल करें और एक एकड़ में इनका स्प्रे कराएं,
और दोस्तों इसमें ना तो कोई आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट लेना है, ना कोई टॉनिक लेना है, कुछ नहीं लेना है। सिर्फ तीन चीज़, M45 750 ग्राम एकड़, बेल्डामाइसिन 250 ml से 300 ml एक एकड़ में, और थाइफोनेट मिथाइल 250 से लेकर 300 ग्राम प्रति एकड़ लें। और दोस्तों स्प्रे इस हिसाब से कराएं कि पौधा पूरा भींग जाए और जड़ तक भी दवा थोड़ी बहुत चली जाए। दूसरा ऑप्शन दोस्तों, आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड भी लगा सकते हैं 0.5 किलो पर एकड़, ठीक है दोस्तों। और इसमें कासुबामाइसिन आता है, उसको भी लगा सकते हैं 250 ml प्रति एकड़, और साथ में 250 ग्राम थाइफोनेट मिथाइल भी ले सकते हैं, ठीक है। और अच्छे कंपनी के, ब्रांड कंपनी के लें, उन कंपनियों के बारे में मैं आपको नहीं बता सकता, आप खुद ही अपने हिसाब से कौन सा ब्रांड बढ़िया चल रहा है, आपको नॉलेज रहती है किसानों को। और बाकी कॉपर जो आप सिंजेंटा की भी ले सकते हैं, और M45 सिंजेंटा की ले सकते हैं, वेल्डामाइसिन बड़ी कृषि रसायन, हर कंपनी का जो ब्रांड कंपनी है, इंडोगल्फ है, और ये कृषि रसायन है, और आपकी धान का है, और ये जितनी भी दोस्तों कंपनी है इनका ले सकते हैं आप। और थाइफोनेट मिथाइल तो आप रोको लें, बायोस्टेट कंपनी की, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। या की ले लें कृषि रसायन की, वो भी बढ़िया, अमन भी बढ़िया इंडोगल्फ की, क्योंकि मैं इस्तेमाल करता हूँ दोस्तों। और इसको आप स्प्रे करा दें, और स्प्रे कराने के बाद आपको तुरंत रिलीफ मिल जाएगा। पानी लगाएं 4-6 दिन बाद, यूरिया लगाना नहीं है, और बहुत बढ़िया बेनिफिट मिलता है इसका। और अगर ज़्यादा ही और संतुष्टि करनी है तो 10-12 दिन बाद एक बार और इसका रिपीट स्प्रे करा दें, समझ रहे हैं आप दोस्तों। तो इससे आपको बिल्कुल पूरी तरह से, मैं तो ये चाहूँगा कि हर किसान जो पहला स्प्रे करें, इन चीज़ों को आप इस्तेमाल कर सकते हो, और इससे आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। कोई टॉनिक लगाना नहीं है, कोई कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट लगाना नहीं है, क्योंकि दोस्तों टॉनिक की अभी ज़रूरत नहीं पड़ती है, टॉनिक की ज़रूरत पड़ेगी लगभग दूसरे स्प्रे पे। जब पौधा दोस्तों थोड़ा उम्र दराज हो जाएगा और उसको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी माइक्रोन्यूट्रिएंट की, तब आप ऊपर से टॉनिक लगा सकते हैं, या कोई चीज़ लगा सकते हैं, घुलनशील खाद, NPK वगैरह इन स्प्रेयों में दोस्तों ना मिलाएं, क्योंकि NPK नहीं मिलाया जाता फंजीसाइड में, मेरे हिसाब से रिजल्ट कम हो जाते हैं उसके, फंजीसाइड के भी और NPK के भी। तो दोस्तों उसका भी विशेष तौर पर आप लोग ध्यान रखें। अब बात करते हैं दोस्तों, नॉर्मली अगर आप पहला स्प्रे लगाने जा रहे हैं आलू में तो क्या लगाएं, तो उसके लिए दोस्तों आपके पास कई ऑप्शन हो सकते हैं। आप 750 ग्राम एकड़ के हिसाब से M45 लगा सकते हैं, एंटीबायोटिक ले लीजिए एक कोई, और स्टेप्रोसाइक्लिन वगैरह, और अमीडा एक कीटनाशक ले लीजिए, कीटनाशक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मच्छर वगैरह दिखता नहीं है, पत्ते पर सिकुड़न आ जाती है, अमीडा ले लीजिए, थायमेथोक्सम आती है उसको ले सकते हैं आप, ठीक है, और अमीडा लगा सकते हैं। और दोस्तों एक ऑप्शन ये भी है, बायर की एंट्राकॉल ले सकते हैं, जिसमें प्रोपीनेब होता है, सैनीपेब ले सकते हैं PI कंपनी का, और एक एकड़ में इसकी डोज 0.5 किलो रहेगी एंट्राकॉल की, या सैनीपेब की, और अमीडा ले सकते हैं 100 ml प्रति एकड़, और एंटीबायोटिक का पाउच एक ले सकते हैं स्टेप्रोमाइसिन का, वो आता है शायद मेरे ख्याल 4-5 ग्राम का, उसको भी आप लगा सकते हैं पहले में, सादा स्प्रे में। पहले स्प्रे में मैं नहीं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट, कोई टॉनिक वगैरह ये सब चीज़ें लगाएं, आप दूसरे स्प्रे में लगाइए। और NPK जब भी आप 19-19-19 या जो भी NPK इस्तेमाल करें दोस्तों, उसका इस्तेमाल अलग से करें, किसी के साथ नहीं करें। तो दोस्तों ये आप जानकारी मैंने आप सभी लोगों को दी, आपको आशा करता हूं मैं आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद मेरे किसान साथियों, आपका दिन शुभ हो।